हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर सरपंच का बेटा 4000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। बाड़मेर एसीबी की टीम की लगातार कार्रवाई जारी। सरपंच पुत्र रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। रमजान अली पुत्र खबर खान निवासी सालारिया को पुलिस थाना सेड़वा में 4000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बाड़मेर में रविवार को एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 4000 की रिश्वत लेते सरपंच के बेटे रमजान खान और उसके एक साथी को ट्रैप किया गया है। सरपंच का पुत्र दलाल के मार्फत से रिश्वत ले रहा था, जहां दलाल तो फरार हो गया लेकिन सरपंच का बेटा और उसका एक एसीबी के हत्थे चढ़ गया। बाड़मेर राजस्थान में एसीबी की निशाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के बाद अब भ्रष्ट नेता निशाने पर है। इस कड़ी में रविवार को एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरपंच के पुत्र और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। महानरेगा के काम के संबंध में 4000 की रिश्वत लेते हुए सरपंच के बेटे रमजान खान और उसके एक साथी को ट्रैप किया गया है। वहीं दलाल फरार हो गया है, जिसको ढूंढने के लिए एसीबी ने कई टीमें गठित की है। अब ग्रामीण इलाकों में सरपंच और उसके परिवार के लोग नरेगा मजदूरी के नाम पर गरीबों से पैसे वसूल रहे हैं। सेड़वा क्षेत्र में नरेगा मजदूरी भुगतान में सलारिया सरपंच पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। सरपंच का पुत्र दलाल के मार्फत से रिश्वत ले रहा था, जहां दलाल तो फरार हो गया लेकिन सरपंच का बेटा और उसका एक साथी एसीपी के हत्थे चढ़ गया। परिवादी मोहम्मद अली के परिवार के 6 सदस्यों के खाते में पैसे आने के लिए दलाल ने प्रति व्यक्ति का आधा हिस्सा मांग रहा था। 4 सदस्यों के 1300 के हिसाब से 5200 हो रहे थे, जो सरपंच के हस्तक्षेप के बाद 4000 में सौदा तय हुआ था। एसीबी के एसपी रामनिवास ने बताया कि परिवादी मोहम्मद हनीफ मनरेगा मजदूरी के पैसे खाते में 26 प्रति व्यक्ति आया, जिसका आधा हिस्सा सरपंच का बेटा मांग रहा है। शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद रविवार को सरपंच के पुत्र रमजान अली को 4000 की रिश्वत देकर जेब में रख दी। एसीबी की टीम को देखकर सरपंच के पुत्र ने राशि पास बैठी समीर खान को पकड़ा दी, जिसके बाद एसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई चल रही है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराना मेघावल की रिपोर्ट।